हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा कंटेंट है वॉल्सवैगन पोलो हीटिंग प्रॉब्लम। अभी इस गाड़ी के अंदर हीटिंग का प्रॉब्लम था और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हीटिंग के प्रॉब्लम का रीज़न निकला है कूलर अपनी जो नोज़ल आती है, इंजेक्टर की नोज़ल आती है, इसके नोज़ल में प्रॉब्लम था। एक नोज़ल इसका बंद था, इस वजह से ये गाड़ी हीट हो रही थी। अभी फ़िलहाल हमने नोज़ल सर्विस करके लगा दी है और इस गाड़ी के ट्रायल पे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड कितनी है और ये गाड़ी हीट नहीं हो रही है। इसमें नॉर्मल सा प्रॉब्लम है चेक लाइट का, वो तो हम स्कैनर से इरेज कर देंगे उसको। फ़िलहाल गाड़ी में पिकअप कंप्लीट है, एवरेज कंप्लीट है और गाड़ी हीट भी नहीं हो रही है। बहुत सी गाड़ियों में ऐसा होता है कि हम ढूंढते रहते हैं प्रॉब्लम क्या है, हीट का प्रॉब्लम है, गाड़ी हीट हो रही है तो थर्मोस्टेट एल्बो का प्रॉब्लम है या हीट का प्रॉब्लम है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे गाड़ी हीट होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसमें नोज़ल का प्रॉब्लम निकला है वॉल्सवैगन पोलो के अंदर। वॉल्सवैगन पोलो है फर्स्ट मॉडल, टाइप 1 और 1.2 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर, और अराउंड 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, लेकिन इसमें अभी फ़िलहाल गाड़ी ज़रा भी हीट नहीं हो रही। आप देख सकते हैं हीटिंग की कोई चेक लाइट नहीं है इसके अंदर। तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी का ताकि इंजन का टेम्परेचर बढ़े और हमको हीटिंग का प्रॉब्लम पता चले कि ये गाड़ी हीट हो रही है या नहीं हो रही। सेफ्टी का खास ख्याल रखें इसमें ट्रायल लेते वक्त। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा रख रहे हैं, आप 100-120 की स्पीड रख रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लें, सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। और एक कोई अच्छा सा रोड चूज़ करें जहाँ पे ट्रैफिक कम होती हो, खुला रोड हो, ऐसा रोड चूज़ करें ट्रायल के लिए। वैसे तो गाड़ी बहुत अच्छी आती है, यह वॉल्सवैगन पोलो है, वॉल्सवैगन का इंजन है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है, बट कुछ 3 सिलेंडर है इसलिए थोड़ा इसके अंदर इंजन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। देखेंगे इसकी स्पीड, थोड़ा सा रोड पे रस्टिंग है इसके लिए हम ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते अभी, यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं आज हाईवे पे। थोड़ा अभी थोड़ा रोड खुला दिख रहा है तो हम थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे। दूसरी एक खास बात वॉल्सवैगन पोलो के अंदर कि इसका जो माइलेज है वो हम कितनी भी स्पीड इसके अंदर बढ़ा लें, इसका माइलेज जो है वो कम नहीं होता। आप स्पीड 80 रखिए या 100 रखिए, 120 रखिए, 150 रखिए, कितनी भी स्पीड में आप चलाएंगे इस गाड़ी को तो इसके माइलेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका माइलेज उतना ही देती है।